या तो रखे सारा अभिमान। इसे दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। सिरमौर जिला की पंचायतों में इन दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। सर्वेक्षण के मद्देनजर गठित टीमों में विभिन्न विभागों को शामिल किया गया है। यह टीम सदस्य पंचायतों में जाकर सर्वेक्षण करेंगे और पंचायत की स्वच्छता रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सर्वेक्षण के तहत गठित एक टीम ने आज नाहन विधानसभा क्षेत्र की सेनवाला पंचायत का दौरा किया। सर्वेक्षण टीम के सदस्य तुलसा देवी व रविंदर सिंह ने बताया कि सफाई व्यवस्था को जाँच रहे हैं और यह देखा जा रहा है कि सफाई के क्षेत्र में पंचायतों द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई मर्तबा यह देखा जाता है कि जो कार्य पंचायतों द्वारा कागजों पर दर्शाए जाते हैं उसकी वास्तविक स्थिति बिल्कुल अलग होती है। उन्होंने कहा कि यह टीम नाहन विधानसभा क्षेत्र की 8 पंचायतों का दौरा कर इसकी विस्तृत रिपोर्ट TC सिरमौर को सौंपी जाएगी। आदेश हुए कि हम 8 पंचायतों का विजिट करें और जो 8 पंचायतें ही हमारी ईयर वाई है 2021 की अलग है, 4 पंचायतें उसमें से एक फर्स्ट निकालनी है और 21-22 की हमारी फिर 4 पंचायत। हमारा सर सबसे पहले तो टॉयलेट का रहता है कि सब पंचायत में सबकी टॉयलेट है या नहीं है। उसके बाद हमारा सॉलिड वेस्ट पे पंचायत द्वारा क्या प्रयास किया गया है तो हम उसका मौके पे निरीक्षण करते कि वो धरातल पे है या नहीं है। फिर हमारा दूसरा इशू रहता है कि लिक्विड वेस्ट पे पंचायत ने कितना अच्छा काम किया है और पर्सनल हाइजीन पे भी विजिट महिलाओं के बीच में SHG के साथ मिल करके उनसे पूछा जाता है कि लोग कितने अवेयर है फिर और सैनिटेशन को लेकर के उन्होंने क्या प्रयास किए हुए, पंचायत ने उनको क्या सपोर्ट दी हुई है। अभी जो है सॉलिड वेस्ट पे इनका इन्होंने जो पंचायत द्वारा प्रयास किया गया है वो धरातल पे है, गांव में महिला मंडल उससे अवेयर है या नहीं है। ये नहीं है कि सिर्फ हम जो है वो दिखा दें पर प्रैक्टिकल भी हमें जो है रिजल्ट के साथ देखना होता है। वो नाहन ब्लॉक के लिए सिलेक्ट हुई है जो पंचायत का निरीक्षण करेगी, वहाँ पे जो स्वच्छता है उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करेगी और हम इस ब्लॉक में 8 पंचायत जो हैं उनको कवर करेंगे। इसकी जो रिपोर्ट है वो हम वेरिफिकेशन के एक सप्ताह के अंदर जिला जिलाधीश सिरमौर को भेजेंगे। हम स्कूल आंगनवाड़ी के अंदर फिर जो भी हमारे गांव की जो गलियां वहां की साफ सफाई शौचालय ये सभी जो हैं इसमें हम निरीक्षण इनका करते हैं कि उनकी व्यवस्था कैसे है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट जो है उसकी क्या व्यवस्था है पंचायत ने अपनाई हुई, तो ये सारी जानकारी हम कलेक्ट करते हैं और उसी के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसको आगे प्रेषित किया जाता है। जी मेरा नाम संदीपक है और मैं नाहन ब्लॉक की एक छोटी सी पंचायत आमवाला सैनवाला जो नाहन हेडक्वार्टर के बिल्कुल नज़दीक और नेशनल हाईवे पे पड़ती है वहाँ पे मैं एज ए प्रधान अपनी पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। एक टीम जिलाधीश के नेतृत्व में और जिलाधीश के आह्वान पे स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू सभी पंचायतों के दौरे पे निकली हुई है तो बहुत अच्छी स्वच्छ भारत में जो सेग्रीगेशन की जो प्रक्रिया है वो है और लोगों को आसपास जिस तरह पुराने ज़माने में महिलाएं इकट्ठा होकर के अपने गली मोहल्लों को साफ करती थी तो मेरा निवेदन रहेगा अगर सब लोग इसमें अपनी सहभागिता निभाएं और जागरूक हों तभी ये जो स्वच्छ भारत मिशन की भारतवर्ष और भारत सरकार की जो योजना है वो यथासंभव सिरे चढ़ सकती है क्योंकि कोई भी योजना खाली प्रतिनिधियों के और अधिकारियों के साथ मिल करके सिरे नहीं चढ़ती जब तक कि उसमें जन सहयोग ना हो। तो ये टीम आज मेरी पंचायत में आई है, हमारी पंचायत का निरीक्षण करेगी। हमने कोशिश की है अच्छा करने का, पंचायत को ऊंचा उठाने का और हम प्रयासरत रहेंगे। सब लोग पूर्णतया अपने आप में पूर्ण नहीं होते, हमारी कोशिश जितनी की है हमने स्वच्छ भारत मिशन में काम किया है और आगे भी करते रहेंगे।